चलिए दोस्तों, अब टाइम होता है इसी सैमसंग गैलेक्सी A52s के ऑनेस्ट रिव्यू का। यहाँ पे मुझे इसी स्मार्टफोन को यूज करते हुए अराउंड 2 से 3 दिन हो गए और यहाँ पे मैंने क्या एक्सपीरियंस किया वो आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ते हुए इसी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इसी फोन के अंदर यहाँ पे आपको क्या क्या प्रोज एंड क्या क्या कॉन्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप भी इसी स्मार्टफोन को बाय करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसमें आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स पता लग जाएंगे जिसमें आप मतलब अपना डिसीजन आपका चेंज हो सकता है कि हाँ आपको यहाँ पे ये फोन अच्छा लगे या ना लगे। ये वीडियो पूरा जरूर देख लीजिएगा, आपको पता लग ही जाएगा वीडियो के एंड तक। और यहाँ पे अगर आप इसी फोन को बाय करना चाहते हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे जाके आप इसी फोन को बाय कर सकते हो या चेकआउट कर सकते हो। हमने रिसेंटली 2 वीडियोस और भी बनाई थी इसी सैमसंग गैलेक्सी A52s की अनबॉक्सिंग, और यहाँ पे हमने कैमरा टेस्टिंग की एक और वीडियो भी बनाई थी जिसमें हमने प्रॉपर कैमरा टेस्टिंग की थी इसी सैमसंग गैलेक्सी A52s की, जाके वो वीडियोस भी जरूर देख सकते हो, आपके जरूर काम में आएगी। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। इसी ज्यादा अगर हम सबसे पहले बात कर लें इसी सैमसंग गैलेक्सी A52s के प्राइस की, अभी आपको बेसिकली 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं इसी फोन के अंदर। जो बेस्ट वेरिएंट है 6GB रैम 128GB वेरिएंट, जिसका प्राइस यहाँ पे आपको इंडिया में 36,000 देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो इसी का हायर वेरिएंट है वो है दोस्तों 8GB रैम 128GB स्टोरेज, जिसका प्राइस आपको यहाँ पे इंडिया में 37,500 देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर प्राइस पॉइंट की बात करें यहाँ पे आपको काफी ज्यादा ओवर प्राइस देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 3,000 का कैशबैक भी देखने को मिल जाता है HDFC बैंक पे, जो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी बात हो जाती है। मतलब आपको यहाँ पे जो ये 36,000 वाला फोन है वो यहाँ पे आपको 33,000 का पड़ जाता है। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे ऑफलाइन मार्केट से बाय कर सकते हो इसी सैमसंग गैलेक्सी A52s को, वहाँ पे आपको ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है कि वहाँ पे आपको ये फोन 31,000 या 32,000 के अंदर देखने को मिल जाए, तो ये फोन काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा अगर आपको ये इस प्राइस रेंज के अंदर देखने को मिलता है। बाकी फोन के बारे में डिस्कस करते हैं, बात करें इसी फोन की स्पेसिफिकेशंस की। यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं इसी फोन की परफॉर्मेंस की। हर बार ऐसे होता ना यार कि हमें सैमसंग अपने फोन्स में डिस्प्ले वगैरह काफी ज्यादा अच्छी दे देती है, कैमरा काफी ज्यादा अच्छा दे देती है, बट यहाँ पे आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी नहीं देखने को मिलती सैमसंग के जो मिड रेंज फ्लैगशिप फोन होते हैं। बाकी यहाँ पे आपको काफी ज्यादा तगड़ा प्रोसेसर दिया है इस बार सैमसंग ने। यहाँ पे आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 778G 5G चिपसेट देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर यहाँ पे आपको 12 5G बैंड देखने को मिल जाते हैं, जो आपके फोन को यहाँ पे फ्यूचर प्रूफ बना देते हैं, जो मुझे काफी ज्यादा यहाँ पे प्लस पॉइंट लगा। मतलब यहाँ पे आपको और भी काफी फोन देखने को मिलते हैं इस प्राइस रेंज के अंदर जहाँ पे आपको लगभग 2 से 3 5G बैंड देखने को मिलते हैं। कोई कोई फोन ही ऐसा है जिसके अंदर यहाँ पे आपको इतने ज्यादा 5G बैंड देखने को मिलते हैं, तो ये तो पक्की बात है कि ये फोन आपका यहाँ पे फ्यूचर प्रूफ होने वाला है, आपका यहाँ पे लंबे टाइम तक साथ देगा, जो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट हो जाता है इसी फोन को लेके। बाकी यहाँ पे जो इसी की परफॉर्मेंस है वो भी आपको यहाँ पे कमाल की देखने को मिलती है। यहाँ पे मैंने 2 बार स्कोर भी इसी का चेक किया था, अराउंड आपका यहाँ पे 487,000 जो पहली बार आया था, और दूसरी बार यहाँ पे लगभग 5 लाख के आसपास आया, जो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी बात हो जाती है। हाँ, यहाँ पे मैं ऐसे तो जरूर कहना चाहूंगा कि जो यहाँ पे मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1200 चिपसेट है या जो स्नैपड्रैगन का 870 चिपसेट है जो फ्लैगशिप चिपसेट है, उससे तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी कम परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। जो एंटू स्कोर वगैरह है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा कम आता है, बाकी यहाँ पे आपको काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। अगर आपने गेमिंग वगैरह करनी है तो भी आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इसी चिपसेट के अंदर। बाकी यहाँ पे अगर हम ऐप ओपनिंग स्पीड की बात करें यहाँ पे काफी ज्यादा फास्ट खुलती है जो एप्स वगैरह है। यहाँ पे जो 1UI 3.1 है इसी का, वो यहाँ पे इसी की परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा बेटर बना देता है। आपको यहाँ पे काफी ज्यादा स्मूथनेस देखने को मिल जाती है, जो इसी का 1UI 3.1 है वो यहाँ पे काफी हद तक ऑप्टिमाइज है। यहाँ पे अगर बात करें इसी फोन की डिस्प्ले की, यहाँ पे आपको 6.5 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, वो भी 120Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ में, जो यहाँ पे काफी अच्छी बात हो जाती है। बाकी यहाँ पे आपको यहाँ पे टच सैम्पलिंग रेट इतना ज्यादा अच्छा नहीं देखने को मिलता इस प्राइस रेंज के अंदर। यहाँ पे आपको 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलता है बाकी फोन्स के अंदर, बट यहाँ पे इसी फोन के अंदर यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलता है। वो यह बात यहाँ पे नोट करने वाली हो जाती है। बाकी यहाँ पे इसी की डिस्प्ले काफी ज्यादा मुझे स्मूथ लगी, बाकी सैमसंग की डिस्प्ले काफी ज्यादा अच्छी होती है हर फोन के अंदर। यहाँ पे जो इसी की डिस्प्ले वो यहाँ पे काफी ज्यादा स्मूथ है, काफी ज्यादा बटरी स्मूथ है, जो मुझे काफी ज्यादा इसी का प्लस पॉइंट लगा। मतलब डिस्प्ले वगैरह के मामले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कलर सैचुरेशन वगैरह यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे से मेंटेन किया है सैमसंग ने, मतलब प्रॉपर आपको कलर्स विजिबल भी होते हैं यहाँ पे, धूप वगैरह में आउटडोर में भी आपको प्रॉपर कलर्स विजिबल होंगे। यहाँ पे आपको बैटरी भी 4500mAh की देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको 25W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। अगर बात करें इसी फोन के कैमरास की, यहाँ पे आपको पीछे की साइड क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 64MP का यहाँ पे मेन कैमरा है OIS के साथ में, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 5MP का मैक्रो और 5MP का डेप्थ लेंस है। फ्रंट साइड पे आपको यहाँ पे 32MP की
सेल्फी देखने को मिल जाती है। नो डाउट यहाँ पे कैमरा काफी ज्यादा अच्छा है इसी का, काफी ज्यादा तगड़े तगड़ी फोटोज ले जाता है, काफी अच्छे शॉट्स ले जाता है। वॉइस वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं इसी के कैमरा के अंदर, जो यहाँ पे काफी ज्यादा मिड रेंज फ्लैगशिप फोन होते हैं, जो मिड रेंज प्रीमियम फोन होते हैं उनमें काफी फोन में यहाँ पे मिसिंग होता है, बट यहाँ पे आपको वॉइस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर आप इसी फोन के कैमरा को डिटेल में देखना चाहते हो कि इसका कैमरा यहाँ पे कैसे परफॉर्म करता है, तो मैंने रिसेंटली वीडियो अपलोड की थी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वो जाके आप देख सकते हो जो कैमरा टेस्टिंग की है प्रॉपरली। इसी के साथ आपको यहाँ पे इसी फोन के अंदर IP67 की वाटर इंडस्ट्रियलाइजेशन रेटिंग भी देखने को मिल जाती है, जो यहाँ पे लगभग सारे ब्रांड्स यहाँ पे इस प्राइस रेंज के अंदर बिल्कुल मिस कर देते हैं ये फीचर, जो यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा प्लस फीचर लगा इसी फोन को लेकर। यहाँ पे आपको हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाता है इसी फोन के अंदर, जो यहाँ पे गेमर्स वगैरह के लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। बाकी आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, वो भी डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ में, जो यहाँ पे काफी ज्यादा लाउड है, वो हमने अनबॉक्सिंग वीडियो में यहाँ पे टेस्ट किया ही था, आप जाके देख सकते हो। अगर डिजाइन की बात करें तो डिजाइन भी यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो काफी ज्यादा अच्छा डिजाइन है। पीछे आपको प्लास्टिक बैग देखने को मिल जाती है, यहाँ पे मैट फिनिश के साथ में प्लास्टिक बैग आती है, जो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा इसी का जो डिजाइन है। कैमरा मॉड्यूल वगैरह भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। बाकी हाँ, यहाँ पे जो इसी की बैक है उसके अंदर यहाँ पे आपको थोड़े थोड़े फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं थोड़े टाइम बाद, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। और यहाँ पे आपको साइड पे प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिल जाता है, हाँ यहाँ पे आपको मेटल का फ्रेम प्रोवाइड कर सकते थे इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंगली, बाकी हमको एक प्लास्टिक का फ्रेम भी देखने को मिलता है इसके अंदर। बाकी यहाँ पे डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा लाइट वेट है, एक कम्पैक्ट फोन है, जो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा इसी के डिजाइन के अकॉर्डिंगली। हाँ यहाँ पे जो ये फोन है वो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है हमें, हाँ यहाँ पे जो सैमसंग है वो यहाँ पे आपको अश्योर करते कि यहाँ पे आपको 3 साल के OS अपडेट देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी बात हो जाती है, मतलब आपको 3 साल के फर्मवेयर अपडेट देखने को मिलेंगे, सिक्योरिटी पैचेस वगैरह के अपडेट तो आपको देखने को मिलते ही रहेंगे। बाकी हाँ यहाँ पे अच्छा है जो ये फोन है। अगर हम बात करें इसी फोन के प्रोज एंड कॉन्स की, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोज की। सबसे ज्यादा मुझे इसी का जो प्लस पॉइंट लगा वो है दोस्तों इसी की IP67 वाटर इंडस्ट्रियलाइजेशन रेटिंग, यहाँ पे लगभग सभी फोन में मिस होता है जो ये फीचर है, जो आपको इसी फोन में देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको 3 साल के फर्मवेयर अपडेट देखने को मिल जाते हैं सैमसंग की तरफ से। इसी के साथ यहाँ पे आपको इसी फोन के अंदर हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, जो डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ में आते हैं, काफी ज्यादा लाउड है। और इसी के साथ आपको यहाँ पे जो इसी का बनी हुई 3.1 है वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा स्मूथ है। आपको यहाँ पे इसी के कैमरा के अंदर OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो यहाँ पे एक प्लस फीचर हो जाता है इसी के कैमरा को लेकर। इसके अंदर यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फीचर है जो मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पे, यहाँ पे मेन कैमरा पे और यहाँ पे जूम पे भी शिफ्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप सेल्फी वगैरह पे भी शिफ्ट कर सकते हो, जो मुझे यहाँ पे एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर लगा, आपको किसी भी और फोन में नहीं देखने को मिलता जो ये फीचर है इसी का। यहाँ पे आपको 12 5G बैंड देखने को मिल जाते हैं, एक अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आपका ये जो ये फोन है वो यहाँ पे लॉन्ग प्रूफ हो जाता है, जो मुझे काफी ज्यादा अच्छी बात लगी। अगर हम बात करें इसी फोन के कॉन्स की, यहाँ पे आपको जो इसी का चार्जर है वो यहाँ पे आपको 15 वोल्ट का ही देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको 25 वोल्ट की ही चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे अच्छी बात नहीं लगी। आपको यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम 33 वोल्ट की चार्जिंग तो देखने को मिलनी चाहिए थी, वो बात यहाँ पे सैमसंग को हमारा सजेशन हो जाता है। इसी के साथ यहाँ पे आपको प्लास्टिक का फ्रेम देखने को मिल जाता है, आपको यहाँ पे मेटल का फ्रेम देखने को मिलना चाहिए था, पीछे आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जो इसी का कैमरा वो यहाँ पे लो लाइट के अंदर इतना ज्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं करता, वो आप मेरी जो कैमरा टेस्टिंग वीडियो है वो आप देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको डिटेल में आपको बताया कि यहाँ पे आपको लो लाइट में कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी इसी फोन के अंदर। आपको यहाँ पे इसी फोन के अंदर थोड़े बहुत ब्लॉटवेयर वगैरह देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको प्री इंस्टॉल्ड एप्स देखने को मिल जाती है जब आप इसी फोन को ऑन करते हो, वो भी यहाँ पे मुझे अच्छी बात नहीं लगी। बाकी ये थे इसी के प्रोज एंड कॉन्स। मुझे ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन, मतलब हाँ यहाँ पे जो इसी का प्राइस है वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा ओवर प्राइस हो जाता है। अगर हम 36,000 को देखें, अगर आप 36,000 पे 3,000 का यहाँ पे कार्ड पे ऑफ लगा लेते हो HDFC बैंक के, तो यहाँ पे आपको 33,000 का देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर आप ऑफलाइन मार्केट वगैरह से बाय करते हो तो ये आपको लगभग 31,000 तक भी देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर इसी के मिड रेंज प्रीमियम फोन को देखते हुए यहाँ पे कहूँ कि ये फोन आपके लिए यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी हो सकता है या नहीं, तो ये फोन आपके लिए जरूर वैल्यू फॉर मनी हो सकता है अगर आपको ये 30,000 से लेकर 32,000 के अंदर देखने को मिले। बाकी आप बता सकते हो अपना ओपिनियन इसी फोन को लेके कि आपको ये फोन कैसे लगा, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। और हाँ, इसी वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए हमारे यूट्यूब चैनल को जाके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। और हाँ, बेल आइकन को भी ऑल पे कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे जैसे हम एक नई वीडियो को अपलोड करते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।